रेडी? ओके गाइस, इस तरह की हमारे पास पूरी स्ट्रिप्स थी जो हमने काटी, जो इतनी लंबी थी उसको मैंने फर्दर और आधी काटी है. सो अबाउट 6 inches, देयर अबाउट 6 inches. इनको आपने क्या करना है, ज़रा करीब आए, इनको आपने लेके टर्न करके स्टेपल करना है और उसके अंदर से एक और पेपर गुजार के उसको और स्टेपल करना है. सो ये चेन के तरीके से बनता जाएगा, राइट? एंड जस्ट मेक श्योर कि जो कलर्ड पार्ट है वो ऊपर हो, जो वाइट पार्ट है वो अंदर हो. सो इसी तरह करते हुए वो इस तरह की चेन्स बन जाएंगी. ना इस तरह की चेन्स जब बनेंगी तो आप उनको डेकोरेट भी कर सकते हैं, दरख्त में भी लगा सकते हैं, अपने बच्चों के कमरों में भी लगा सकते हैं. आई थिंक इससे हमें बहुत मज़ा आया बिकॉज़ हमारा बहुत सारा टाइम स्पेंड हो गया है. बच्चे तो भाग गए इवेंचुअली, मामा ही काट के लगा रही हैं, बट एटलीस्ट यू नो दे हैड अ फन टाइम पेंटिंग द न्यूज़पेपर्स. उनको काटने में मज़ा आया. ऑफकोर्स थोड़ा टेक्निकल है ये स्टेपलर इस्तेमाल करना, इसलिए आई डोंट ब्लेम देम कि वो भाग गए, बट आई स्टिल हैव क्वाइट अ फ्यू लेफ्ट. दिखाएं यहाँ पे, ये अभी भी मेरे पास काफ़ी सारी स्ट्रिप्स बची हुई हैं, इनको मैं कंप्लीट करके लगाऊंगी और फिर आपको पिक्चर भेजूंगी. आई होप यू लाइक टुडेज एक्टिविटी. कल भी हम टूथब्रश पेंटिंग करेंगे, तो आप लोगों के पास जितने भी पुराने टूथब्रशेस हों उन सबको निकाल के, पोस्टर पेंट्स को और पेपर्स को निकाल के रखिएगा, हम टूथब्रश पेंट करेंगे.